नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। और चनों को निकालने के लिए हमारे दूसरे दिन का प्रयास है और आज हम जा रहे हैं फिर से चने निकालने के लिए। कल हम गए थे तो बारिश ने इतना ज़बरदस्त तांडव किया मौसम ने कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। हम 3 85ियाँ निकाली, 4थी 85 थी शायद या 5वीं थी, उसमें आके जो है खेल ख़राब हो गया। पानी इतना तेज़ आया, चने भीग गए। तो आज हमने उसके लिए अलग ही समाधान निकाला है। अगर मौसम आज भी ख़राब है, देखो आप पीछे बादल चारों तरफ हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम फिर से उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और 40 बीघा के चने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वो है जगह है, और इतनी सी जगह को एक छोटी सी थ्रेशर से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और ये वाली थ्रेशर जो होती है इसको नहीं चला पाएगी। मतलब जब हार्ड हो जाता है ना, तो मतलब गीला ऐसा लचीला हो जाता है, तो फिर ये काट नहीं पाती है। तो उसके लिए हमने समाधान निकाला है। तो सामने आप देख रहे हो ये थ्रेशर हम कल चला रहे थे, ये भूसा भी बनाती है और बड़ी सफाई से निकालती भी है, लेकिन जब गीला हो जाता है ना तो इसके बस की नहीं रहती। देखो ये सब उल्टियाँ सी कर रही थी। तो उसके लिए हम ले जाने वाले हैं हमारी ये धान की थ्रेशर, ठीक है। आपको पता ही होगा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि धान की थ्रेशर में बस ये लपेट के और ऐसे झाड़ते जाती है और निकाल के यहाँ से फेंक देती है, बस इतना ही इसका काम होता है। तो इसमें इसको तोड़ना नहीं है, तो इस पर ना तो लोड पड़ेगा और ये बड़ी आसानी से इसको चनों को निकाल पाएगी। बस ये भूसा नहीं होगा, बस चने निकल जाएंगे, भूसा नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए हम इस थ्रेशर को लेके जा रहे हैं, ओके। और इस थ्रेशर को हम चलाएंगे हमारे इस ट्रैक्टर से जिसका नाम है न्यू ओलैंड 5500। काफ़ी पुराना लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर लोड वोड की स्थिति होगी ना तो ये झेल लेगा। अब ये कल हमको चलाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो पीटीओ शाफ्ट, इसको हमने एडजस्ट करवाया है, हमने मतलब खुद ही किया है रात को, और अब बड़ी आसानी से ये ना चला पाएगा। तो न्यू ओलैंड 5500 आज हमारे मुकाबले का मुख्य हीरो, और ये ट्रैक्टर चलाएगा इस थ्रेशर को जिससे हम निकालेंगे हमारे बाकी के चने। अब देखते हैं कितनी स्पीड से निकाल पाते हैं। संभवतः अगर ये नहीं चली तो ये चलेगी, और ये नहीं चली तो ये तो चलेगी चलेगी, है ना। तो ऐसा कुछ कार्यक्रम रहेगा आज का, तो वीडियो में बने रहो आखिरी तक, मज़ा आने वाला है। और कल हम ले गए थे वो ट्रॉला जो न्यू होलैंड में लगा हुआ है, और उसमें कुछ चने हैं। अब एकदम उसको खाली किया नहीं जा सकता क्योंकि बारिश का समय है और यहाँ भी सब कुछ गीला गीला हो रखा है। तो आज हम नोवो ले जा के जा रहे हैं, और जिसमें ये ट्रॉली हमारी जो खाली रखी हुई थी, इस ट्रॉली को लेके जाएंगे। और अगर ये ट्रॉली भर जाती है तो हम दूसरी ट्रॉली एक और मंगवा लेंगे जो कि हमारी बाहर रखी हुई है महिंद्रा 275 में। इसको तैयार कर, इसको खोलना पड़ेगा, अंदर ही पटक लो इसको। तो इसमें जो है चने भरे रखे हैं, ये यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये चने हैं यहाँ तक इसमें ऐसे। तो वहाँ से आने के बाद ये चने भी हम इसमें डाल के इकट्ठा कर देंगे। तो भाई ये हमारा पहला ट्रैक्टर निकल रहा है, और ये क्या लेबर भी लेके जाएगा, इसलिए इसको पहले निकाल दे रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे पास 2 ट्रैक्टर और बचे, जो कि एक है आइसर 485 और एक है हमारा न्यू होलैंड 5500। तो आइसर 485 को मैं लेके जाऊंगा और न्यू होलैंड 5500 को रामू ले जाएगा। फिलहाल मैं इसमें जो है डीजल डलेगा, और हमने बैटरी जो है रात को ही चार्ज पे लगा दी थी। और ये जो है ट्रैक्टर, देखो अल्टरनेटर के वायर निकले हैं ना, तो ये बैटरी चार्ज नहीं करता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हो जाएगा चालू, कहाँ को गेयर लगा लो, हाँ जान दे एक बार और, चल ठीक है, चलो भाई हो गया। सेल्फ स्टार्ट है लेकिन सेल्फ लिया नहीं। अगर हमें एक और ट्रॉली की जरूरत पड़ी तो ये ट्रॉली जो है रेडी रखी, ये फटाफट से आ जाएगी। ये हमारा तीसरा ट्रैक्टर,
अभी हमारे पास एक आदमी कम था, आ गया है वो, तो तीसरा ट्रैक्टर भी निकल गया। अब मैं थोड़ा देर रुक के आराम से जा सकता हूँ। तो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं खेत के लिए और ट्रैक्टर पहले ही पहुँच चुके हैं वहाँ पे, और एक ट्रैक्टर पंचर भी हो गया है। ट्रैक्टर नहीं, थ्रेसर पंचर हुई है, और उसको ठीक करने के लिए एक पहिया खोल के बेच दिया है ट्रैक्टर का, जो कि सेम साइज का है। कल की बारिश से जो कंबाइन रुक गए थे, आज वो बहुत तेजी से चलेंगे, क्योंकि आज शाम को भी पता नहीं क्या होगा। इसको क्यों खोल दिया? अच्छा लेके आयो। ओके, तो ये हमारा ऐसे 242 का अगला पहिया है और ये पंचर हो गया, यहीं पे आके हुआ। उनकी चूड़ी चली जाएगी ऐसे। कछ लगा लो, एक और कछु हो तो। जिन जिन नटों पे आ रही है ना, बस वो दो लगा लो और अपना बस रख ही तो रहना है, क्या दिक्कत है, जब तक ये लोग बनवा के ले आएंगे। अरे नहीं यार प्रमोद, जो एक्सल ही अलग है वो, दोनों 5 नट के हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, कमाल की बात है। जाके हो लेंगे सकरे, बाकी हो लेंगे तनक छोड़े बस। तो अपने पास नट नहीं है, दूसरे जुगाड़ से लगा लें अपन। हाँ पतले नट ही डाल दो तो भी काम हो जाए। नट देख लो हो तो पतले नट डाल दो, समस्या खत्म हो जाए। नीचे वाले नहीं आओ, नीचे वाले नहीं आओ। अबे भले चोरी चली जाए, अपन नट दूसरे डाल देंगे। ऊपर से उठे को जरा सो, चेक न गिर जाए यार। तो भाई साहब बारिश की संभावना को लेकर हम लेकर आए थे हमारा न्यू हॉलैंड 5500 और ये धान की थ्रेशर, इस आशा से कि यार ये भूसा भले ही ना निकाले लेकिन चने तो निकाल देगी। लेकिन यहाँ पे आके इसको चला के देखा तो ये तो घेटी आ रही, मतलब बहुत ज़ोर से काम नहीं कर पा रही। काम तो कर रही है बट उसमें से निकल रहा है क्या, दाना नहीं छील पा रही है। इस तरह से ये पूरे पूरे ये ऐसे निकाल के दे दे रही है हमको, तो उसके लिए हमको करना पड़ रहा है इसको रिजेक्ट। अब इसको साइड में खड़ा रहने देते हैं, अगर बारिश हुई शाम के समय तो हम इसको फिर भी चलाएंगे, इसलिए यहीं पे खड़ा हुआ है और वही वाली थ्रेशर हम चलाएंगे। ये सामने खड़ा हुआ है हमारा 5500 और वो आ गया आईसर 485। और ये जब तक चने नहीं निकल जाते इसकी हालत नहीं सुधरेगी, और इसमें बहुत खर्चा होना है। तो सामान तो आ गया होगा बट जब चने से फ्री हो जाएंगे तभी जाके हम इसको ठीक करवाएंगे। चलो शाफ्ट लगा दो फटाफट, ये उसी थ्रेसर पे रख दे रहा हूँ। थोड़ी और पीछे करते, थोड़ी और करते। कल ये चने बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, आज जो है घाम लग चुका है, हवा लग चुकी है, सूख गए हैं। तो ये जो माल दिख रहा है ना, खूब सारी घेंटी, ये हमारी धान की थ्रेसर ने निकाला है। थोड़ी सी घेंटी इसमें भी आ रही है, लेकिन ये पंखा लगाने के बाद हम दोबारा थ्रेसर में डाल देंगे। तो भाई साहब जब तक ये लोग इसको निकाल रहे हैं ना, तब तक हम सामने वाली जो 85 है उसमें से लेबर का मेहनताना निकाल के और उनका उसमें से हिसाब कर देते हैं, ताकि ये ख़त्म हो तो तुरंत जो है थ्रेसर खड़ी ना करनी पड़े और फटाफट जो है उसमें से उनको चालू कर दें, हम अपना काम कर दें और उनको फिर शाम को इकट्ठा निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगली वाली 85 में कोई गिनती लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे चल रहा है 85 का हिसाब और उधर थ्रेसर भी फ्री हो गई है, जो कि इधर ही लेके आ रहे हैं। हाँ इसी में लगेगी, हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं, साइड में रख दो, ऐसी हवा चल रही उस तरफ लगेगी, वहीं रख रहने दो कोई दिक्कत नहीं है ना। जीनी के बना बस कौन से तुम्हारे अच्छा कर पाजी। तो ये भैया तुमने कौन सी वाले लिए हैं, मतलब तुम पे छोड़ियो इनका हिसाब करना। जाएं और ये 6 कर पाजी है, 12 कर पा होते हैं कि मैं अपनी 50 करना छोड़े करने का पड़ गया। हां तुम करे कर तो चालू करो चालू करो चालू करो।
ऐसे ये लोग ऐसे दबा दबा के बनाते हैं। ये वाला हल्का है देखो। तो ये आ गया भाई थ्रेसर का टायर जो पंचर हो गया था, और अब जो है बदल लेंगे समय निकाल के जब लंच टाइम होगा तब। अभी काम चल रहा है, अभी शेड नहीं करेंगे। इसके आगे यहाँ पर यहाँ फंसा दो बस। तो भाई साहब ये वाली जो लाइन है वहाँ डीपी से लेके यहाँ तक, इस लाइन की ये आखिरी 85 है। उसके बाद ऐसी तीन लाइनें और हैं, तो जो रह गई हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं, और जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे हम निकालते जाएंगे। और आशा करते हैं दिन भर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। जितना ज़्यादा निकल जाएगा उतनी ज़्यादा टेंशन ख़त्म। और उम्मीद ये है कि 150 क्विंटल के आसपास चलें जाने चाहिए, और अब देखते हैं कितने होते हैं। अभी तो शुरुआती है, कल हमने निकाली थी 3.85, चौथी ये निकाल ली, पांचवी ये निकल रही है। तो भाई साहब जैसे तैसे ईश्वर की असीम कृपा से हमारी 1.85 और निकल चुकी है, और अब जो है हम लाइन के उस तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब दूसरी वाली लाइन में। फिर उसके बाद हमारी तो और एक लाइन रह जाएगी। देखो कितना सारा छोड़ दिया इन लोगों ने, और ट्रॉली में देखते हैं कितना अनाज इकट्ठा हुआ है, उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। दो 85 में इतना हो गया है। अरे बोरा की कह रहा रे। तो अब ये वाली 85 में लगाएंगे, इसमें लेबर का हिसाब भी हो ही चुका है। एक बार फिर से अगली 85 में दूसरी वाली लाइन, तीसरी नहीं यार मैं गलत था, चार लाइनें हैं ये, दूसरी तीसरी चौथी भी है। तो भाई ये 85 भी एंड हो गई है, और इसके बाद हम जाएंगे वो वाली में, फिर उसके बाद आगे की तरफ। आज भी मौसम भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है, बादल फिर से होने लगे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और सामने वाली पिसी जो कल रह गई थी वो आधी कट गई है, अभी आधी अभी भी रह गई है। 1, 2, 3, 4 ट्रैक्टर ही हैं, और एक थ्रेसर भी आ रही है। दोपहर के 1 बज रहे हैं भाई साहब, और 1 और 85 निकल गई है। अब सामने 2 और बची हैं, ये 2 निकलवाने के बाद जो है लंच करवा देंगे। और मौसम जो है फिर से गड़बड़ होता जा रहा है, बादल बढ़ते जा रहे हैं। धूप बिल्कुल नहीं है, छाँव है, बादल हैं, मतलब 4 बजे तक 3:30-4 बजे तक आज फिर पानी आ जाएगा पूरी उम्मीद है। ये रही अगली वाली 85, इसमें भी गिनती हो चुकी है लेबर का ये अपना, और आगे वाली में चल रही है अरुण वहाँ पे कर रहा है, उसके बाद इस तरफ का नंबर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक आ गए हम, और एक रह गई है ये, और ये निकल जाएगी तो फिर सोच रहे हैं लंच करवा दें। और मौसम देख के लग रहा है कि लंच करवाएं ना, लंच इकट्ठा शाम को करवा दें, क्योंकि कल ये दिन भर की वजह का 2 घंटे काम हुआ है, तो और अपने को पूरे दिन भर का पैसा देना पड़ा था लेबर को। तो भाई साहब इस लाइन की और 1.85 निकल गई, इस लाइन में बस 1 रह गई है, और उसके बाद हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे लगा रहे हैं लोग, इकट्ठा कर रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी 85 है, और इसका हिसाब भी हो चुका है। सामने हार्वेस्टर चल ही रहा है अपनी गति से। तो भाई साहब एक बार फिर से मौसम हो गया है, देखो बादल आ गए हैं, बिल्कुल काली घटा आ गई है, और 2:30 बज रहा है इस वक्त, धड़म धड़म की आवाज़ भी आ रही है बादलों में से, और पूरी संभावना है कि आज फिर बारिश होगी। और हमने ये 2 लाइनों के तो क्लियर कर लिए हैं,
और अभी हमारे पास दो लाइनें और बाकी हैं, सामने एक ये वहीं तक और फिर एक लाइन और उस तरफ, काफी सारे चने बाकी हैं। 2:46 और फिर से नाटक शुरू और अब देखते हैं निकालने देगा या नहीं। ये काफी बड़ी 85, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है हमको और दो लाइनें और रह गई हैं। यहाँ पर भी इकट्ठा कर ही रहे हैं ये लोग और समस्या इतनी विकराल है भाई कि जरा में चने गीले हो जाते हैं और थ्रेसर बंद भी पड़ जाती है। एक बार फिर से मौसम खराब और पानी की बूंदाबांदी आ चुकी है और समय हो रहा है 3:17 और आज भी काम रोकना पड़ेगा, आगे काम हो नहीं पाएगा। बहुत ही ज़्यादा बादल तड़क रहा है, बहुत जोर से ओले भी गिर सकते हैं, बहुत जुर्मदार बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कल जो पानी गिर रहा था वो इस तरफ से गिर रहा था, हवा भी इसी तरफ से चल रही थी और आज सामने से उल्टी तरफ से है, पूरी की पूरी हवा इस तरफ से है और बिजली भी इधर ही चमक रही है। पानी दिख भी रहा है कि सामने कितने तेज गिर रहा है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे बहुत तेज पानी गिर रहा है और ये पानी ही यहीं पर आएगा और सबके निकल चुके हैं खेत, बस ये अपना ही रह गया है यार। ये दो लाइनें 1-2 यहाँ से लेके वहाँ तक, पानी यार बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और ये 85 और निकल जाए, बस कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ बिजली चमक रही, इधर भी और इधर भी, कहाँ से पानी आएगा कोई पता नहीं है। सामने की तरफ देखो दोस्तों, बहुत जोर से बिजली चमक रही है, चारों तरफ से बिजली चमक रही है। आज बहुत खतरनाक वाला पानी आने वाला है ऐसा लग रहा है। मौसम जो है अलग अलग तरह से बन रहा है, पहले यहाँ बन रहा था, अब ये बनते बनते इधर आ गया, कुछ देर इधर भी रहा। भाई सामने देखो पानी आ गया बहुत तेज, अभी हाल पापा का फोन भी आया था, विदिशा बहुत तेज पानी गिर रहा है और इसी बीच हम अपनी कार्रवाई बंद कर रहे हैं और 4 बज रहे हैं इस वक्त, तिरपाल ढांक रहे हैं और वापस लेके जा रहे हैं। पानी है भाई साहब, इस तरह की खेती में बहुत भयंकर ज्यादा पड़ता है, मैं जाने क्या होगा जाएगी। तो चलो भाई घर की तरफ जा रहे हैं, बड़ा फटाफट नीचे से हट जाओ, घुमा घुमा अरुण। तो भाई साहब फटाफट से चलते हैं घर की तरफ और जितना घर की तरफ जाएंगे उतना भीगने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हम ये चाहते हैं खेत से बाहर हो जाएं और पक्की सड़क पे आ जाएं क्योंकि यहाँ पे जो है कीचड़ में फंसने का डर ज़्यादा रहता है। इतनी कीचड़ नहीं होती, ऊपर की 1 या 2 अंगुल पानी जो है मिट्टी पानी हो जाएगी ना तो फिर स्लिप मारना, फंसा फंसी लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पानी ठहर गया है, हवा बंद हो गई है और सामने की तरफ पानी भी नहीं दिख रहा है, बट टाइम भी हो गया है तो अब क्या ही करना, इसलिए चले चलते हैं, बाकी कार्रवाई कल ही देखी जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे तो बहुत भयंकर पानी गिरा हुआ है, सड़क पे आपको पूरा गीला गीला दिख जाएगा और हम किस्मत वाले हैं, हमारे खेत पर जहाँ पे हम चने निकाल रहे हैं वहाँ इतना पानी नहीं गिरा है और यार गेहूं भी खड़ा हुआ है, इसका भी बहुत नुकसान हो जाना है, बट क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति के सामने सब फेल है। कितने भी बड़े आप पावरफुल हो, कुछ भी हो, मतलब
कितनी मशीनरी लेके बैठे हो, कुछ भी हो, कितने भी लोग हो आपके पास, अगर ऊपर वाले की मर्जी है ना कि आप नहीं ले जा सकते तो नहीं ले जा सकते, और अगर ले जाना है तो कोई माइकल आल नहीं रोक सकता, चाहे जो हो जाए। और देख लो भाई यार, बुरी हालत है भाई, स्लिप हो रही गाड़ी, बहुत तेज स्लिप हो रही है यार। गिरेंगे तो बहुत जोर से गिरेंगे, मोड़ मोड़ पे तो बहुत धीरे जाना पड़ रहा है, लेकिन जो भी है मौसम बहुत खूबसूरत है। अगर फसलों की तरफ ध्यान ना दो तो ऐसे अगर घूमने फिरने की बात करो ना तो ये मौसम बहुत सुहाना है, बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब हम कहीं बाहर गाँव जाते हैं घूमने फिरने, उस जगह पे ऐसा मौसम होता है ना तो इतना सुंदर लगता है, वाह यार क्या बात है, मजा आ गया, ऐसी फीलिंग आती है। तो मुझे ऐसी फीलिंग अभी आ रही है, अगर पीछे की बातें सब भूल जाओ तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फसलों को जब देखते हैं ना तो लगता है यार थोड़ा रुक जाते तो क्या हो रहा था। देखो कितने सुंदर दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश नीचे बादलों से गिर रहा है, बहुत ही सुंदर नजारा। इसी तरह से बारिश भी गिर रही थी। तो भाई साहब 7:45 बज रहे हैं इस वक्त, और हमारा ये ट्रॉला आधा भरा हुआ खड़ा है पहले से, और ये ट्रॉली आ चुकी है जिसमें ये चले हैं, देख लो इतना माल लेके आए हम। अब कल फिर से इसको लेके जाएंगे, और ये जो ट्रॉली खड़ी है ना इसमें भी गेहूँ भरा रखा है, तो हम व्यवस्था बना रहे हैं कि इनको खाली कर दें, देन उसके बाद हम कल के लिए तैयारी करें। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल तीसरे दिन में जहाँ पे हम थ्रेसिंग करेंगे फिर से चलों में। और इनका बड़ा फ़ायदा है यार 4x4 का, जैसे कीचड़ हो गई थी तो बहुत आसानी से ले आते हैं ट्रैक्टर।